बी किसी काम को करते हैं और ए उस काम को अकेले 10 दिन में करता है और बी उसी काम को अकेले 15 दिन में करता है, तो अगर दोनों मिलकर इकट्ठा उस काम को करेंगे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इस सवाल को बहुत आसानी से और जल्दी करने के लिए एक आपके साथ मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ। ए उस काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। तो इसके देखिए सबसे पहला स्टेप है कि आप लघुत्तम निकालेंगे, जो भी आपको दिन दिए हो आपने लघुत्तम निकाला 10 और 15 का, तो ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 से 15 यानी 5 दूनी 10 और ये 3 यानी ये आ गया 30। ठीक, दूसरा स्टेप आप क्या करोगे कि जो भी ये ए और बी के दिन है और जो आपने लघुत्तम निकाला उससे आप इन दिनों को भाग करेंगे, यानी लघुत्तम आपका 30 था, ये आपका लघुत्तम है 30 और ये 10 दिन, इसी तरह लघुत्तम है 30 और ये दिन आपके कितने हो गए 15। तो ए के लिए आपका मान आ गया 3 और बी के लिए आपका मान आ गया 2, फिर आप इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5। तो अभी ये आपका आंसर नहीं है, आप दोनों मिलकर इकट्ठा काम कर रहे हैं, एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एक साथ काम करने पर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये जो आपका लघुत्तम है इसमें जो आपने जोड़ करके ये निकाला है ये इससे आप भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30/5 यानी 6 दिन में वो काम को पूरा करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स में आप करेंगे तो कोई भी सवाल होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर एक दूसरा सवाल हम ले देते हैं कि तीसरा बंदा सी है, वो भी आ जाता है, वो उसी काम को 20 दिन में करता है, तो अब ये तीनों मिलके इकट्ठा करेंगे तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तब आपका ये जो लघुत्तम होगा आप 3 गिनतियों का लघुत्तम निकालेंगे, तो 3 गिनतियाँ आपकी क्या हो जाएंगी 10, 15 और 20। आप 5 से लेके गए 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, फिर आप 2 से लेके गए 2 1 2 3 और 2 दूनी 4, तो लघुत्तम आ गया 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, लघुत्तम आ गया 60। ठीक है, आप सबका आप अलग अलग काम निकालोगे, ठीक है, तब आपके पास 3 लोग हो गए ए बी और सी, तो आपका लघुत्तम कितना आया 60, ये हो गया 60/10, ये हो गया 60/15 और ये 60/20, मतलब लघुत्तम आपको ऊपर रखना है और जितने जितने दिन में वो अकेले काम खत्म करते हैं वो आप रखना है, तो ये 6 हो गया, 15 चौके 60, 2 3 6, फिर आप इनको जोड़ दोगे 6 4 और 3 यानी अब आपका हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसके बाद वो कितने दिन में काम खत्म करेंगे तो आप यहाँ पर भाग कर लोगे, ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका हो गया 13, तो 13×65 होता है, तो 13 चौके 52 और 8/13 इतने दिनों में वो काम खत्म करें। इस तरीके से आप इन सवालों को निकालेंगे, ठीक है, तो यानी आपको चाहे जितने लोग हों जितने भी दिनों का उनका लघुत्तम निकालना है, फिर सबका ये लघुत्तम से उनके दिन को भाग करना है, उनको जोड़ना है, फिर कुल अगर तीनों लोग मिलके इकट्ठा काम कर रहे हैं तो आपको वही लघुत्तम ऊपर लिखना है और ये जो जोड़ आ रहा था दिनों का जोड़ इससे आपको भाग करना है, ये जो आपका आएगा तीनों मिलकर इकट्ठा काम करेंगे तो उतने दिन में उस काम को खत्म कर लेंगे। साथ किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, अगर बी और सी दो जन मिलकर उस काम को करते हैं तो वो 15 दिनों में कर लेते हैं, यदि ए और सी मिलकर के उसी काम को करते हैं तो वो 20 दिन में करते हैं। अब क्या हुआ, मतलब दो दो जन मिलकर काम कर रहे हैं तो अलग अलग दिन लग रहे हैं, अब मान लो तीनों लोग मिलकर साथ में काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, तो इस तरह का आप सवाल है। तो अब पहले तो अकेले अकेले काम कर रहे थे, अब दो दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो वो 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो 15 दिन में कर रहे हैं, और ए और सी मिलकर उसी काम को कर रहे हैं तो उन्हें 20 दिन लगते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो हमारा वही मेथड है, पहला मेथड हम लघुत्तम लेंगे जितने भी दिन हैं,
तो ये 12, 15 और 20, आप इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो ये गया 2 से 2 6 12 15 2 2 20, फिर आपने ये 5 से ले गया 5 3 15 5 2 10, 3 से 3 2 6 1 और ये 2, फिर 1 2 से ये। अब हम इसको गुणा करेंगे, 2 5 10 और ये 6, यानी लघुत्तम आपका आ गया 7। लेकिन यहाँ पर दो दो जन मिलके कर रहे हैं तब इस तरह से, तो यानी आप ये देखिए आपको 12 दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं और 20 दिन लग रहे हैं और आपका लघुत्तम कितना आया 60। ठीक है, ए और बी जब मिलके काम करते हैं तो 12 दिन में, बी और सी मिलके काम कर रहे हैं तो 15 दिन में, ए और सी मिलके काम कर रहे हैं तो 20 दिन में। तो ए प्लस बी का अकेले का काम, तो लघुत्तम में से दिन को भाग करते हैं, अभी हमने आपको बताया लघुत्तम में से आप दिन को भाग करते हैं तो कितना आया 5। इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं जो और जल्दी हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। इसी तरह से 15 को 60 से भाग करेंगे तो 15 चौक 60, ये आपने किया तो ये 3 आ गया। कि अब क्या है, यहाँ पर तो तीनों अगर हम जोड़ते हैं और ये तीनों जोड़ते हैं तो ये आपका देखिए 2 बार हो जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, मतलब क्योंकि देखिए 2 बार ए है 2 बार बी है 2 बार सी है, और इधर आपका हो जाएगा 5 4 और 3 को जोड़ना है, यानी आपका हो गया 12। तो यानी तीनों मिलकर के करते हैं तो ये आपका आ रहा है 6 दिन, लेकिन ये 6 दिन नहीं होगा, आपका थर्ड स्टेप क्या है कि आपको अगर तीनों मिलकर के काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में उस काम को खत्म करेंगे, तो आपका जो लघुत्तम होता है उससे आपको इस जोड़ को भाग करना होता है। तो 60 को आपने 6 से भाग किया यानी 10 दिनों में इस काम को वो लोग पूरा कर लेंगे अगर मिलकर इसी काम को करते हैं। इसी में एक सवाल ये भी है कि अगर हम आपसे कहें ये तो मिलकर वो तीनों काम कर रहे हैं तो 10 दिन लगेगा, अगर मैं किसी एक का पूछूं कि मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मैं ये नहीं पूछ रही थी तीनों मिलके काम करें, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि अगर वो बंदा कोई इनमें से मान लीजिए ए अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, या सी अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो मान लीजिए मुझे ये निकालना हो कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो आप ये देखिए ये वाले में बी प्लस सी वाले में और ए प्लस सी वाले में, यहाँ दोनों में सी है तो इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, जिसमें सी नहीं है तो ए प्लस बी वाले में सी नहीं है तो इसमें कितना दिन लग रहा है, ये 5 दिन, ये कितना दिन लग रहा है 5 दिन, और टोटल दिन कितना लगा 6 दिन, तो आप इसमें 6 में से 5 घटा दीजिए तभी आप सी का काम निकालेंगे, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको सी या केड़ा काम करने में कितना दिन लगेगा, वही सूत्र है एलसीएम को आप दिन से भाग कर देंगे, यानी 60/1, तो सी अकेला उस काम को करेगा तो उसे 60 दिन लग जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको बी का निकालना हो तो ये दोनों छोड़ देंगे तो बी वाले में ये 3 है तो 6 में से 3 गया 3, अगर आपको यहाँ पे बी अकेला निकालना है, ठीक है, यहाँ पर आपका किससे भाग घट जाएगा 3 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ए प्लस सी वाले में बी नहीं है तो इसके आगे 3 है तो 3 आ गया, तो लघुत्तम में यहाँ 3 से भाग हो जाएगा, तो अब बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 20 दिन, तो सब मिलके एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, अकेले काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। इस तरह के सवाल आप आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद।